सरकारी अस्पताल शब्द जब मन में आता है तो आंखों के सामने अव्यवस्था, भीड़ भाड़ का एरिया व अन्य कई खामियां सामने आने लग जाती हैं। लेकिन जरा धर्म नगरी की किरमिच पीएचसी तो पधारिए। यहां प्रवेश करते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि किसी रिसोर्ट में पहुंचे हैं। पीएचसी की बिल्डिंग को बाहर से इस तरीके से सजाया गया है कि कोई पुरानी धरोहर हो। अंदर की यदि बात करें तो सभी सुविधाओं से संपन्न इस पीएचसी की सफाई व्यवस्था देखते ही बनती है। पीएचसी में तैनात हर डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी अनुशासित नजर आता है। पीएचसी की दीवारों पर स्वच्छता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनसंख्या निरोधक स्लोगन उकेरे गए हैं। मरीज कक्ष में सुव्यवस्थित बेड, धुले हुई चदरे व मरीजों के परिजनों के लिए कुर्सियां व एलईडी टीवी पीएचसी में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। किरमिच पीएचसी की पूरी तरह से व्यवस्थित करने में डॉक्टर प्रदीप व उनकी टीम पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। कार्यकल्प कार्यक्रम के तहत इस पीएचसी को प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। आने वाले समय में अस्पताल में सोलर सिस्टम से लगवाए जाने की योजना है। इस बारे में जब मरीजों से बातचीत की गई तो आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटी सभी प्रोवाइड हैं, सबसे बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जो आते अटेंड किया और जो है अच्छे से ट्रीटमेंट भी करवाया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो बात करें सफाई की तो सफाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। जी, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई चांस नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सफाई के मामले में भाई कोई दिक्कत है नहीं। जी, मैं बारमा से आया हूँ यहाँ पर दवाई लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल है, यहाँ पर सफाई का ध्यान है, जो स्टाफ है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर जो डिसिप्लिन काफ़ी बढ़िया है, सब काम सिस्टम से होता है और यहाँ की सफाई है जो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। तो इसकी दवाई ये मैं अपनी सिस्टर की लेने आया हूँ, पहले ले गया था यहाँ से तो डॉक्टर साहब ने बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से देखा, तो मतलब बहुत मुझे यहाँ पर आना बहुत बढ़िया लगा जी। जब शमशेर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह बारना गांव में अपनी बहन को लेकर आए हैं और यहाँ की सुव्यवस्था देखकर वे चकित हैं। इसी प्रकार दूसरे मरीजों ने भी पीएचसी व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिला कुरुक्षेत्र या हरियाणा के डॉक्टर अपने अपने एरिया की पीएचसी को ऐसे सुव्यवस्थित करें तो मरीजों को नाजी अस्पतालों में ना जाना पड़े। लेबर रूम से लेके लैब से लेके ओपीडी और इंडोर, इस सब में हमारे प्लान बनाए गए जिसके तहत हमारे यहाँ पे काम किया जाता है, और शायद इन्हीं प्लान इन्हीं सिस्टम्स की वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं वो जो हमारी पब्लिक है वो काफ़ी हद तक हमारे स्टाफ से संतुष्ट दिखाई देती है। तो इस साल में हमने पीएचसी की बिल्डिंग के अंदर पीएचसी बाउंड्री में एक पार्क बनाने का प्लान किया है, जिसकी चार दीवारी मैंने पिछले साल के बजट से बनवा दी थी, और इस साल हम उसके अंदर घास वगैरह और पौधे लगा के अच्छा उसको सुंदर बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब सोलर का भी इसमें कुछ इसके अलावा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है इस साल का वो है सोलर पावर सिस्टम लगाने का, जो मैंने कि जिसका एप्लीकेशन मैंने सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र को भेज दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे को बजट और इसका जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मेरे को प्रोवाइड करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी और बड़ी बिल्डिंग है और साथ में 24 घंटे सेवाएं हम देते हैं 24x7, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारा यहाँ पे बिजली का जो खर्चा है वो काफ़ी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार की तरफ से मुझे इस सोलर पावर सिस्टम को लगाने की परमिशन मिले और बजट मिले। तो फिलहाल के लिए तो हमारे बड़े प्रोजेक्ट यही हैं, और साथ में मैं पिछले साल तो हमारा यहाँ के जो लोकल पंचायत है उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था और साफ़ सफाई रखने में भी और लोगों को थोड़ा समझाने में भी कि आसपास वो गंदगी ना डालें। इस साल भी मैं उम्मीद करूँगा पंचायत से गांव वालों से
कि वो इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहें ताकि हम इस पीएचसी को और भी अच्छा बना पाएं।